हेलो गाइस, मैं माहिरा हसन आप सभी को बहुत बहुत दिल और प्यार दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम, हेलो, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, टू ऑल माय फ्रेंड्स. आप सब लोग कैसे हैं? मेरे लोग बहुत खुश और खैरियत के साथ होंगे. सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग वॉक कर मैं आ गई हूँ, तो सोचा कि कुछ आज अलग नाश्ता बनाया जाए. मम्मी ने कहा मेरी कि आज सुबह पराठा और सब्ज़ी के साथ खाएंगे और चाय पियेंगे. रोज़ हम लोग बटर, ब्रेड, एग ये सब खाते हैं, बट आज थोड़ा सा सॉलिड सा हो जाए. तो होता है ना, नाश्ते में भी वैरायटी कभी कभी अच्छी लगती है. एवरी डे सेम नाश्ता करो तो थोड़ा एक होता है ना, दिल भर सा जाता है. तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज मैं ट्रायंगल शेप के पराठे बनाऊंगी और 12 पराठे बनाऊंगी. वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैं 6-7 पराठों के बाद मेरा बीपी थोड़ा हाई होने लगता है. मुझे गर्मी जो लगती है वो मन करता है रोटी हो या पराठे हो या जो ये जो काम होता है किचन का, बस जल्दी जल्दी से हो जाए किसी तरह. कोई ऐसा मैजिक हो या जादू हो, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा हो कि एकदम होता है ना कि जल्दी से काम हो जाए सारा. तो गर्मी में किचन में आना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पे जो लोग फ्लैट में रहते हैं, अंदर ही किचन होता है, अंदर ही सब बेडरूम होते हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, तो आबो हवा का हिसाब नहीं होता. पर जिनके घर खुले खुले होते हैं, किचन भी अलग होता है, बड़ी सी एक किचन के सामने जो एक वो होती है विंडो होती है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है. तो गर्मी बहुत, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है. जब पड़ती है तो दिल खोल के पड़ती है, और जब ठंड भी पड़ती है तो वो भी बड़ी फुर्सत से पड़ती है. तो वन बाय वन पहले मैंने सारे पेड़े तोड़ लिए और उनको पहले रेडी करके एक साइड में रख लिया. फिर वन बाय वन मैंने एक एक पराठा बनाना शुरू कर दिया. आप देख रहे हैं मेरा चैनल माहिरा की सिंपल लाइफ. जी हाँ, बने रहिए मेरे चैनल पे. अपना फीडबैक हमेशा की तरह ज़रूर दीजिएगा. आपके जितने भी कमेंट्स हैं जो मेरे पिछले वीडियोज़ के, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया. और आप सब लोग भी बहुत खुश रहे हैं, जीते रहे हैं, हेल्दी रहे हैं. हेल्थ, वेल्थ और तरक्की दे अल्लाह ताला सभी को दे. और जहाँ तक हो सके बस यही कहूँगी, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए लाइफ में अपनी तरफ से. किसी का अच्छा नहीं कर सकें तो आप बुरा भी मत करिए. कोई कुछ दे या ना दे, पर ऊपर वाला सब कुछ देने वाला बैठा है, बस ये याद रखिए. पराठे जब बन गए, और फिर ये जो साइड में आप कढ़ाई देख रहे हैं, इसमें आलू की सब्ज़ी जो मैंने नहीं बनाई, मेरी मम्मी ने बनाई है. मैं क्यों ऐसे कहूँ कि नहीं मैंने बनाई है, तो मेरी मम्मी ने बनाई. मम्मी ने कहा कि आप पराठे बना लीजिए और मैंने सब्ज़ी बना ली है, फिर चाय सब साथ में पियेंगे. मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, फिर किचन भी सुबह सुबह और क्लीन करके साफ़ करके बनाना शुरू कर दिया. आप लोग अपने दिन की शुरुआत सब अपने अपने घर में अपने अपने तरीके से करते हैं. आप लोग सुबह सुबह क्या करते हैं और आपके घर की, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि और नाश्ते में क्या क्या वैरायटी खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए. तो मैं भी नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में ज़रूर वो बनाने की कोशिश करूँगी और आप सब लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी. आप चाहे किसी के लिए, एक चीज़ ज़रूर है कि लेडीज़ का जो गर्ल्स होती हैं, कभी मूड कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी बहुत अच्छा मूड होता है, कभी थोड़ा अपसेट भी मूड होता है, क्योंकि माहौल पे और घर की जिम्मेदारियों पे डिपेंड करता है. कभी कभी किसी की लाइफ बहुत इजी होती है, बहुत इजी तरीके से सबको कभी सब कुछ मिल जाता है, और कुछ लोग आधे से ज़्यादा लाइफ उनकी स्ट्रगल में गुजर रही होती है. अल्लाह ताला ये काम भी बना दें, वो काम भी बना दें. तो बस यही कहूँगी कि सब लोग अपने घर में एक दूसरे की हिम्मत बने रहें और एक दूसरे का साथ दें.
कुछ आप किसी को दें या ना दें पर एक दूसरे के साथ ज़रूर खड़े रहें। इससे इंसान को बहुत ज़हनी सुकून मिलता है और एक ऐसा फील होता है कि नहीं, हमारे साथ हमारे घर वाले हैं, हमारे अपने हैं, या जिन्हें हम अपनी फैमिली की तरह, अपने फ्रेंड की तरह या अपनों से ज़्यादा समझते हैं। कुछ है या नहीं है, वो साथ में है तो बस वही बहुत है। तो किसी का साथ ना छोड़ें। और मेरे साथ साथ ये ज़रूर कहें, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि हर कोई करना और बनना चाहे आपके जैसा, क्योंकि सब में है कुछ बात पर आप में है कुछ खास। लव यू ऑल गाइज, आई विल बी बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। डू वॉच, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट्स माई चैनल। लव यू ऑल, बाय।